का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, हम अनरूट से लिखते हैं। यहाँ पर हमें भाग विधि यानी डिवीजन मेथड काम में लेना है। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, हमें अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर आगे बढ़ते हुए दो अंकों के साथ अंडरलाइन, फिर आगे में दो अंक की संख्या कितना रहे, 16। इस 16 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 16 से बड़ा ना हो। यह संख्या लेंगे हम 1 से लेकर 9 तक। तो लगाओ दिमाग, 3 गुणा 3 कितना रहे, 9, 16 से बड़ा नहीं है। आगे 4 गुणा 4 कितना गया, 16। एग्जैक्ट 16 के बराबर ही आ गया था, हम इसको लेंगे, ठीक है। बड़ा नहीं होने का मतलब क्या, या तो 16 के बराबर या 16 से थोड़ा कम। इसको लिया हमने 4 को, यहाँ लिख दो। फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको कटाना है। ऊपर से हम जो दो अंक अंडरलाइन कर रखा है उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। इसके साथ 1 लिखते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 81। इसको लिया हमने 1 को, यहाँ ऊपर लिख दो। फिर इसको घटाया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू निकल रहा है ऊपर कितना, 41, ये आपका 1681 का वर्गमूल है। इसको इस तरीके से आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है।